उधर कन्नौज की सदर सीट से इस बार भाजपा ने असीम अरुण पर दाव लगाया है। असीम अरुण की कैसी है तैयारी, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। खाकी से खादी पहनने वाले असीम अरुण हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत, एबीपी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय मिला और प्रचार का समय खत्म भी होने वाला है, तो आपको लगता नहीं कि और समय मिलना चाहिए? समय तो जितना और मिल जाए उतना अच्छा होता, लेकिन प्रचार के लिए मैं समझता हूँ पर्याप्त समय मिला। करीब 25 दिन का समय मुझको मिला इस काम में, और दो तरह का प्रचार है इस बार। डिजिटल प्रचार बहुत सारा है जिसकी वजह से रीच हमारी जल्दी है, अच्छी आती है, लेकिन डिजिटल प्रचार भी करीब 30% ज़्यादा नहीं है, बाकी जगह जाना होता है मिलने के लिए। पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है और अधिकांश जगहों पर मैं गया हूँ या मेरे परिवार के सदस्य गए हैं, और बाकी हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ता, तमाम टीमें कई कई बार हर गांव में गई हैं। तो जो मोदी जी और योगी जी का संदेश है वो पहुंचाया गया है, प्रत्याशी के रूप में मेरा परिचय कराया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी संदेश पहुंचे हैं और अच्छा परिणाम रहेगा। अच्छा, बात करें हम तो बीती 3 बार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, मोदी लहर में भी वो जीते थे, कम अंतर था, लेकिन जब उस दौरान जीते तो अब की बार कितना टफ आपको लग रहा है, आप अपना कहाँ स्टैंड देख रहे हैं? देखिए, हर चुनौती को, हर लड़ाई को टफ मानना चाहिए, और ये प्रतियोगिता है और टफ मान के ही हम इसको चल रहे हैं। लेकिन जितना अच्छा काम योगी जी ने, मोदी जी ने किया है, विकास का, राष्ट्र की सुरक्षा का, प्रदेश की सुरक्षा का, उसका बहुत ही सार्थक परिणाम सड़कों पे और नागरिकों के पास दिख रहा है। दूसरा, मेरे जैसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रित किया, तो मुझसे बहुत से लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और मुझको आमंत्रित किया गया मेरी विशेषज्ञता के लिए, तो ऐसे मैं भी ये कार्य करना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी करती भी है कि मिडिल क्लास से या किसी भी क्लास से जो विशेषज्ञ लोग हैं जिनके अंदर कोई काबिलियत है उनको पार्टी सीधे आमंत्रित करती है और ज्वाइन कराती है। तो मैं अपना भविष्य का दायित्व समझता हूँ कि मैं जिस प्रकार मुझे एक अवसर मिला, मैं इस अवसर को कन्नौज में और लोगों को दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। असीम अरुण, पूर्व आईपीएस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद यहीं रहेंगे, कन्नौज की जनता जिताएगी और कन्नौज की जनता की सेवा करेंगे। कैमरा सहयोगी जीतेन के साथ विवेक त्रिपाठी, बीती कन्नौज।